हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, दोस्तों अगर आपके पास विंडोज़ पीसी में फोर्टनाइट का ये एरर आ रहा है तो इस एरर को आप कैसे इजीली रिमूव कर सकते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए दोस्तों। बहुत सिंपल स्टेप है, आप इस स्टेप को फॉलो कीजिए। स्टेप नंबर वन, आपको इंटरनेट कनेक्शन चेक करना है, आपके पास इंटरनेट कनेक्शन प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं, इस स्टेप को फॉलो करना है। आपको विंडोज़ 11 की सेटिंग में आना है। स्टार्ट मेन्यू के ऊपर क्लिक कीजिए, सेटिंग के ऊपर क्लिक कीजिए, उसके बाद आपको यहाँ पर स्क्रॉल करना है। फिर आपको यहाँ पर ट्रबल शूट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अदर ट्रबल शूटर के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन का जो ऑप्शन है यहाँ पर आपको रन के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं डिटेक्टिंग प्रॉब्लम्स। तो ये प्रोसेस कम्प्लीट होने तक आप थोड़ा सा वेट कीजिए। ओके, तो जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, उसके बाद अब मैं यहां पर इसको जो है क्लोज़ कर लेता हूं। ऑल सेटिंग को यहां पर से आपको क्लोज़ कर देना है। स्टेप टू, आपको विंडोज़ 11 के सर्च बार में टाइप करना है कंट्रोल पैनल। उसके बाद आपको यहां पर इसको क्लिक कर ओपन कर देना है। फिर आपको यहां पर नेटवर्क एंड इंटरनेट के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहां पर नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। फिर आप यहां पर देख सकते हैं लेफ्ट साइड में चेंज एडाप्टर सेटिंग, आपको इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप यहां पर वाईफाई नेटवर्क सेलेक्ट कीजिए, जो भी आपका वाईफाई नेटवर्क है आप उसको सेलेक्ट कीजिए। फिर आपको राइट क्लिक कर यहां पर प्रॉपर्टी के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहां पर इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 इसको आपको सेलेक्ट कर देना है। फिर आपको यहां पर प्रॉपर्टी के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर आप यहां पर इसको सेलेक्ट कीजिए, यूज़ द फॉलोइंग DNS सर्वर, प्रीफर्ड DNS सर्वर आपको इस तरीके से टाइप करना है, अल्टरनेट DNS सर्वर इस तरीके से आपको टाइप कर देना है। उसके बाद ओके के ऊपर क्लिक कीजिए, फिर यहाँ पर क्लोज़ कीजिए, ऑल सेटिंग को आपको क्लोज़ कर देना है। उसके बाद स्टेप नंबर 3, आपको रन कमांड ओपन करना है। शॉर्टकट की आप यूज़ कर सकते हैं, विंडोज़ की प्रेस करते हुए आपको R प्रेस कर देना है, रन कमांड ओपन हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पर इस तरीके से टाइप कर देना है, उसके बाद आपको ओके के ऊपर क्लिक कर देना है, यहाँ पर ये विंडो ओपन हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है एपिक गेम लॉन्चर, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसको ओपन कीजिए इस फोल्डर को। फिर आपको सेव्ड फोल्डर को ओपन कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर कॉन्फिग फोल्डर में आने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं क्रैश रिपोर्ट क्लाइंट, इस फोल्डर को आपको डिलीट कर देना है। यहाँ पर से राइट क्लिक कर डिलीट के ऊपर क्लिक कीजिए। ओके, तो जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं फोल्डर डिलीट हो गया है। उसके बाद आप इस विंडो को क्लोज़ कीजिए। फिर आप अपने पीसी को एक बार रीस्टार्ट कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इजीली फोर्टनाइट एरर की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं विंडोज़ पीसी में से। उम्मीद है आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आ गया हो, तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।